लाइफ में कभी कभी बड़ा मोड़ लेता है हम जब पटना आए थे तो हमारे पास पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था इवन कि हम एक मकान में रहने गए ना तो उन्होंने मकान दिया बाद में जब हमने आधार कार्ड दिया तो उन्होंने हमारा मकान खाली कर दिया कहना कि हम मुस्लिम को नहीं देते हैं फिर हम एक मुस्लिम के पास गए तो उन, 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 जातियु का लफड़ा तो नहीं तो हिंदू को नहीं देते हम कि दोनों नहीं है कुछ गलत लोग हैं तो हम एक ऐसे आदमी से के पास सिन्हा जी हैं वो आज भी हम उन्हीं के मकान में रहते हैं केवल उनके इतनी इंसानियत को देख के को साफ कह दे हम इंसान को देते हैं आप इंसान है ना बस हम उन्हें देते हैं लेकिन बाद में हर इंसान के पास ठोकर लगते हम जब पढ़ाने गए तो लोग यहां पे डेढ़ साल पढ़ाने के बाद डेढ़ साल हम एक कोचिंग में पढ़ाए थे डेढ़ साल और उन्होंने हमको पैसे, मेरे पैसे नहीं दिए उनका कोई बात नहीं बच्चों की तो सेवा की है फिर हम एक दूसरे कोचिंग में गए फिर वहाँ पर हमने अपने हमारे पास पढ़ाने से फुर्सत नहीं था नहीं। तो हम उन्हीं को कहते देखो जितनी फी आती है बच्चों की मिनिमम फी रखिए जो पैसे आते हैं इससे एक अनाथ आश्रम खोला जाएगा जहाँ बच्चे पढ़ेंगे फ्री में उनको पढ़ाया जाएगा दिल लगा के पढ़ाया जाएगा उन्होंने कहा ठीक है ठीक है सर हम पैसे इसका इकट्ठा करते हैं उनको दे देंगे लास्टली उन्होंने पैसे लूट लिए और हमारे जेब में केवल चालीस रुपये छोड़ा था उन लोगों ने और पटना से घर लौटने का मेरा किराया नब्बे रुपया था हम घर केवल नहीं जा पाए क्योंकि मेरे जेब में केवल चालीस रुपए थे हम गंगा घाट में एन घाट है ना वहां पे वहां पे वहां बैठ के हम टेंशन में थे वहां पर वहां पे अब जब हम सोचे कि अब क्या करें यहाँ पे इतना तक तो को, कोई किस तरह इतना क्यों गिर सकता है हम वापस जब गए तो रूम का दरवाजा बंद हो चुका था मकान वगैरह तो हम खटखटाए तो वहां से निकले कहें कि आप क्या हो गया है सर आपको ये कितना टाइम को आ रहा है टाइम देखिए तो हमें लगा दस बज रहा होगा हम टाइम देखे तो रात का दो बज रहा था फ्रस्ट्रेशन में है उस समय हमको लगा कि नहीं हमें कोई रोक रहा है और ये समस्याएं आज बहुत लोगों के साथ है। तभी हमने प्रण लिया था कि आज इसके के जब हम कोचिंग चलाएंगे कोई लड़का मेरे कोचिंग से फीस के गरीबी के वजह से नहीं जा सकता है आज भी वो हैंडीकेप हो गरीब हो मेरे यहाँ पढ़ेगा फ्री बहुत से लड़के दिन में वेटर का, का काम करते हैं रात में कभी कभी बड़े बड़े होटल्स में वहाँ काम करते हैं मेरे यहाँ के पढ़ते हैं बहुत लड़के कहीं जॉब करते हैं कोई मॉल में काम करते हैं यहाँ पढ़ता, पढ़ता है मेरे यहाँ आके पढ़ता है और उसको हम ज़्यादा प्रीफर देते हैं बल्कि उनसे जिनके पास बहुत ज़्यादा संपन्न है वो ऐसा नहीं कि जो संपन्न है उनसे हमें कोई एलर्जी लेकिन हाँ जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास खानसर है क्या बात है ये बहुत बड़ी बात है सर जब यहाँ आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमें पर्सनली सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ सवाल भेजे थे उसमें ये भी था कि खान सर से पूछिएगा कि क्या वहाँ पे गरीब बच्चों को मेधावी बच्चों को कम पैसे में पढ़ाया जाता है ये मैसेज उनके लिए होगा उन बच्चों को पता चलना चाहिए कि हाँ खान सर के पास हर कोई आ सकता है खान सर हर किसी के हैं